ओके ओके रेडी। आशुतोष जी, सिनेमा और समाज का आईना माना जाता है, फिल्म में भी ऐसी कुछ कहानी है जिसमें रेप करके लड़की को छोड़ दिया जाता है। लेकिन चिकन करी लॉ जो है वो कोशिश ड्रामा है और जो बच्चों भारतवर्ष को ज्ञान की भूमि मानते हैं, भारतवर्ष को संस्कार हमारा दायित्व कि जब पहले दिन हम ये कहते हैं कि अतिथि देव तो अतिथि हमारे आदर के विषय होते हैं और हम उनके साथ ऐसे किस्म का अनाचार घटित होते हैं, तो निश्चित रूप से ये हमको और आपको सब कुछ छोड़ था उनके माध्यम से उसी विचार को रखने का प्रयास किया। पहले ये चर्चा कर ले क्योंकि ये भी नहीं हो पा रहा चले चले हो गया रेडी हो पा रहा क्योंकि उसमें वो सारी बात उसमें चली जा रही है, वो मुझे उसका फायदा। चलिए प्लीज सर चलो ओके गो। आशुतोष जी, जानते हैं कि आप बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं, बिल्कुल कैरेक्टर किरदार की स्क्रीन में घुसना और फिर उसको सादर करना ये आपकी कला रही है, तो इसके लिए आपने किसी वकील को फॉलो किया? देखिए मेरा ये मानना है चूँकि बहुत मैं घूमता फिरता रहता हूँ, लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं होता है। और मैं कभी भी किसी कैरेक्टर को अगर बिल्ड करता हूँ तो मैं साइकी पकड़ने का प्रयास करता हूँ, तो व्यक्ति के अगर चित्त को आप पकड़ लेंगे तो उसका चरित्र अपने आप ऑटोमेटिकली उसकी चरित्र चिंतन चाल अपने आप बदलने लगती है। तो साइकी जो है उसकी सीतापति शुक्ला की जो चिकन करी लॉ का होता है वो सिर्फ यही साइकी है कि उसके लिए जितने भी बातें अंदर हैं वो मंदिर के तरीके से देखता है, जो कोर्ट है उनको और जो न्यायाधीश है उनको वो ईश्वर का अवतार मानता है। उसका ये मानना है कि सत्य के पक्षधर हैं और सत्य की निश्चित रूप से निवारण में हो जाती है, तो ये सत्य का पक्षधर है। तो वो उसी तरीके का हमारा ये मानना है कि एक ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति जो सत्य का प्रबल पक्ष हो उसको फॉलो करता है। हमने देखा कि बहुत सारी सत्य घटनाएं हुई हैं जहाँ पर लड़की को बलात्कार होने के बावजूद वकील उस केस को बहुत ही एकदम दबा कर देता है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था में परिवर्तन आना चाहिए? देखिए हमारे पास दुनिया का श्रेष्ठतम कानून है, अगर हम और आप देखेंगे कि हमारे पास एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए कानूनी व्यवस्था है। अगर हमें किसी चीज़ की तरफ ध्यान देना है तो वो सिर्फ गति की तरफ ध्यान देना है, दिशा हमारी हमारे पास एक श्रेष्ठतम व्यवस्था है, लेकिन थोड़ा सा गति को अगर हम उस दिशा में प्रयास करेंगे कि अगर गति को बढ़ा देंगे तो हम पाएंगे कि अपराधों के कहीं ना कहीं शमन के लिए हम अधिक सक्षम। आपको लगता है कहीं ना कहीं वकीलों को भी ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे केसेस को कंसीडर करके वास्तविकता को न्याय देना चाहिए? मुझे लगता है कि बहुत सारे वकील हैं जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इस चीज़ को करते हैं, और अब तो बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी भी देखी कि कुछ फैसले तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के कारण जो फैसले दो दो साल में होते थे दो दो महीने तीन तीन महीने में होते। आखिर में जानना चाहिए कि बहुत बार हमने देखा है कि कोई घटना हुई तो मतलब जो आप कलाकारों का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत सारे कलाकार शब्द शायद अवे फ्रॉम गिविंग इन रिएक्शन, फिर वहाँ पर रेणुका जी एकदम बेजार तरीके से सोशल मीडिया पे बात करते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि ये उनके चरित्र की दृढ़ता है और उनकी परिपक्वता है, मानसिकता परिपक्वता है, तो निश्चित रूप से अभिनंदनीय है उनका। सर सर जी सर सर।